गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज तुम लोग को चैप्टर वन माई शेप जो पढ़ाते हैं उसमें रिवीजन वर्क दे रहे हैं। रिवीजन वर्क में हम समझा दे रहे हैं और तुम लोग उसको बना करके नेक्स्ट दिन दिखलाना। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ, ड्रॉ पिक्चर ऑफ टू थिंग्स दैट यू लाइक एंड टू थिंग्स दैट यू डिसलाइक। दो चीज बनाना है जो तुम्हें पसंद आते हैं उसके बारे में, और जो तुम्हें नहीं पसंद है उसके नहीं पसंद है उसका दो चित्र बनाना है, और दो चित्र जो तुम्हें पसंद है उसका बनाना है। तो यहाँ एक चित्र बनाओगे, यहाँ एक, यहाँ डिसलाइक बनाओगे जो तुम्हें नहीं पसंद है दो चित्र का। अब सेकंड में है आई लाइक टू ईट, दो चीज का नाम बताना है जो तुम खाना पसंद करते हो। जैसे बहुत सारे लोग को मैंगो अच्छा लगता है तो मैंगो लिखेगा, किसी को गुलाब जामुन, तो दो दो चीज का नाम लिखना है। तो यहाँ लिखोगे दो चीज। नेक्स्ट में आई लाइक नॉट टू ईट, दो चीज का, दो खाने का सामान का नाम लिखना है जो तुम्हें पसंद नहीं है, नहीं खाना पसंद करते हो उसका लिखोगे, तो यहाँ लिख लोगे। अब तीसरा में लुक एट योर फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तुम्हारे सबके पास अपने अपने फ्रेंड होते हैं, उसको देख करके और उसके अनुसार भरना है। जैसे पहला में है माई फ्रेंड्स हैंड आर डस सॉफ्ट और रॉ दिया हुआ है, तो सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, रॉ मीन्स होता है खुरदरा। तो मेरे मेरे फ्रेंड का हैंड जो है वो सॉफ्ट है या रॉ, जैसे सॉफ्ट है तो यहाँ लिखोगे सॉफ्ट, रॉ होगा तो रॉ लिखो। आपके फ्रेंड्स को देख करके बताना है माई फ्रेंड्स चिके, माई फ्रेंड चिके पिंक और येल्लो, माई फ्रेंड्स का चिक जो है वो पिंक है या येल्लो, जैसे पिंक होगा तो यहाँ पिंक लिख दोगे। इसी तरह से थर्ड में है माई फ्रेंड आईज आर, मेरे फ्रेंड का आई जो है ब्लैक, किसी किसी फ्रेंड का ब्राउन भी होता है, तो यहाँ पर अपने दोस्त को देखकर लिखोगे, ब्लैक होगा तो ब्लैक लिखोगे, ब्राउन होगा तो ब्राउन, जैसे यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक लिख दोगे, यदि ब्राउन होगा तो ब्राउन लिखोगे अपने फ्रेंड को देखने के बाद। फोर में है माई फ्रेंड्स फिगर फिंगर आर लॉन्ग या शॉर्ट, मेरे मेरे फ्रेंड जो है उसकी उसके जो उंगलियां हैं वो लंबी हैं या छोटी, यहाँ लिखोगे। अब उसके बाद है माई फ्रेंड्स टीथ आर व्हाइट और येल्लो, अब तुम्हारे फ्रेंड का टीथ जो है येल्लो है या व्हाइट है, तो यहाँ पर जो जो तुम्हारा होगा वो देख करके व्हाइट होगा तो व्हाइट लिखोगे, येल्लो होगा तो येल्लो। अब सर्कल द करेक्ट वर्ड, अब यहाँ देखो दिया हुआ है सर्कल द करेक्ट वर्ड, यहाँ जो सही होगा वो लिखना है। जैसे दिया हुआ है आई हैव ब्लैक या ब्राउन हेयर, किसी का ब्राउन भी हेयर होता है किसी का ब्लैक, तो जैसा तो अपने पास है वो लिखना है। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक में ये कर देंगे, सर्कल कर देंगे, गोल घेरा लगा देंगे। उसी तरह से आई हैव ब्लैक ब्राउन ग्रे आईज, तीनों में से क्या है, तो अगर ब्राउन हो ब्लैक होगा तो ब्लैक को घेरा लगाएंगे। उसी तरह से आई हैव लॉन्ग या शॉर्ट हेयर, किसी का बाल छोटा होता है किसी का लंबा होता है, यदि लंबा होगा तो लॉन्ग में सर्कल करेंगे, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट में करेंगे। आई हैव ए स्मॉल या बिग फिट, अब पैर छोटा है या बड़ा, अगर बड़ा है तो इसको बिग में सर्कल करेंगे। इसी तरह से आई हैव व्हाइट या येल्लो टीथ, मतलब मेरा अपना दांत जो है वो येल्लो है या व्हाइट, अगर व्हाइट होगा तो व्हाइट को सर्कल करेंगे, येल्लो तो येल्लो। अब इस चैप्टर का रिवीजन पीडीएफ में डाल दिया, तुम लोग कर करके नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। थैंक यू।